नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली इलाके के ईसापुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग और पथराव में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं बिलारी सर्किल के क्षेत्राधिकारी देश दीपक का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मौके पर पथराव और फायरिंग के बाद पड़े कारतूस के खोखे खुद हंगामे की कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के दो पक्ष में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही तरफ से पथराव और फायरिंग के आरोप लगाए गए हैं। दोनों ही तरफ के एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें तीन गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौजूदा ग्राम प्रधान खदीजा का कहना है कि हारे हुए प्रधान पक्ष के लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया है और फायरिंग की है, जिसमें उनकी तरफ के कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने ग्राम प्रधान खदीजा की तहरीर पर 16 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल शाम करीब 8-9 बजे के आसपास सूचना मिली कि दो पक्षों के बीच में ईसापुर ग्राम में मारपीट की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस का तुरंत मौके पहुंचा गया। जांच करने पता चला कि दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें वर्तमान समय में जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं, ग्राम प्रधान पद के जो है वो उनका नाम भतीजा है और उनके पति इरशाद उनका नाम है। उनके साथ पक्ष में जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जो ग्राम प्रधान पद के हारे हुए लोग थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें सूचना मिला कि लगभग 16 लोग वहाँ पे मौके पे थे और उनके द्वारा मारपीट की गई है। जो ग्राम प्रधान पद के लोग हैं इनके साथ परिवार के साथ, इसमें 5 लोगों घायलों की सूचना मिली है। लोगों के उनके द्वारा पीड़ित परिवार के द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई है, जिस पर तुरंत हम लोग मेडिकल कराने के उनको भेजे, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया था। उस पर जाँच कर हम लोग उनको अस्पताल में भेज दिया गया है और साथ में जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई है, उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खतीजा प्रधान पथराव पहले तो ऐसा हुआ, जब हम शपथ लेने गए चार औरतें, तो हमारे बीच में मुझे कर लिया और ये दो आगे हो गई, एक पीछे हो गई, तो वो जो सामने घर है तो उस घर पे से पत्थर आए स्कूल पे को, तो हम एकदम से स्कूल में भर गए। जब वहाँ अंदर भरे तो हम 5-6 लोग बैठे थे, फिर जब काफ़ी देर बैठे रहे, जब वो ना आए उस बारे वो ना आए मेम्बर, तो वो लोग बोले कि जब तक शपथ ना होगी जब तक पूरे मेम्बर ना होंगे, तो उस पर 4 मेम्बर बैठे हुए थे, फिर 2 मेम्बर और बुलाए तो 6 मेम्बर हो गए। उन 2 मेम्बरों के साथ 10-15 लोग और आए, 4 कैंडिडेट आए, उसमें 2 ना आए, 6 कैंडिडेट थे, तो जिसमें 3 कैंडिडेट आए, एक तो वो नहीं आया हरीम और एक पतंगा ना आया, और 3 कैंडिडेट मौजूदा आए, उनके साथ 10-12 लोग आए, फिर वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब शपथ हुई हमारी और हम शपथ लेकर चले तो हमारे पीछे पीछे भाजे वो, फिर हम एकदम से बार के हैं घर को आ गए, फिर मेरे पीछे पीछे 2 फायरिंग करी, फिर 3 और करी, तो जब हम घर में भर गए तो हमने कुछ ना कही, शांति हो गए, बच्चे हमारे अपने काम में लग गए। तो फिर उन लोगों ने रैली निकाली पूरे गाँव में, हारने वालों ने पूरे गांव में निकाल गया और पूरे गांव में ऐसे करके जा बैठे, हमने फिर भी कुछ ना कहा, चलो रैली निकाल के अपने घर बैठ जाए। फिर हमारे बच्चे शाम को जब बैठे तो फिर वो लोग चढ़ के आए, फिर उन लोगों ने बरसाव करी उनकी पत्थरों की, तो पत्थरों बरसात हो गए, मैं तो बेहोश हो गई, बच्चे मेरे सब फूट गए, फिर वो लोग तू ले जा मैं ले जाऊँ तू ले जा मैं ले जाऊँ, तो वो ऐसा बात खत्म। फैर 5 फायरिंग हो गए, 2 दिन में हुए, 3 हुए रात को, 5 फायरिंग हो गई ना, पुलिस फिर रात में आई, दिन में ना आई, जब फायरिंग हो रही जब पुलिस ना आई ना, हमने फ़ोन करा, फिर हमने कहा ऐसे ही दब जा ऐसे ही दब जा, चलो ना फैले तो अच्छी है। तो फिर जब वो सब लोग इकट्ठे होकर आए मानने, तो फिर उसके बाद हमने बहुत फ़ोन करे जब पुलिस आई। मोहम्मद बिलाल, ऐसा हुआ कल शपथ थी प्रधान की, तो ये कल शपथ भी लेने दे रहे थे, मेम्बर भी नहीं आने दिए, तो वे शपथ में भी बवाल खड़ा कर रहे थे। जब ये इरशाद था, फिरोज था, भूरा था, अकेल मुखिया था, मुखिया का भैया बाबू था, आसिम था, आसिम का, फिर क्या हुआ, फिर ये घर आ गए, इन्होंने मीटिंग करी और ये बंदूकें तमंचे अधे डंडे लेके घर में घुस गए, चढ़ाव कर दिया घर में प्रधान के, और सबको मारा और प्रधान को भी घेरा, सब पे मारा, जो आ रहा है उसे मार रहे थे।
फिर क्या हुआ, रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट भी नहीं हुई, फिर हम घर आ गए, रिपोर्ट तक नहीं हुई हमारी। मोहम्मद वसीम, जैसे झगड़ा हुआ मैं दुकान में बैठा था, झगड़े के बाद में एकदम उन्होंने हमला करा मेरे पास और मेरे पैसे उसे निकाल के और ले गए और यानी के डिब्बे पे भी फेंक के मुझे मारा भी। फिर क्या हुआ? फिर ये क्या नाम है, जब जिन्हें पता चला प्रधान बार इन्हीं प्रधानों को तो ये गए थे तो फिर इन पे भी हमला करा। कौन लोग थे जो ये डिब्बे जो निकाले थे? एक तो उसका ये अकिल मास्टर है, इसने कहा था कि डिब्बे फेंको, और उनका भतीजा आसिम का नाम है लड़का सहजान, उसने डिब्बे फेंके, और दूसरा जो है कलीम है, उसने बाट उट निकाल के लेकर गया था। पैसे कौन लेकर के गया? सहजान। कितने पैसे? लमसम ऐसे मान लो 15 के लपेट में थे, 15,000। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस का कहना है कि कहीं पर कोई पथराव और फायरिंग नहीं हुई, धक्का मुक्की और मारपीट में ही लोग घायल हुए हैं, लेकिन घटनास्थल पर पड़े हुए पथराव के निशान, चौके, फायरिंग के बाद फेंके गए कारतूस के खोखे और टूटी हुई कुर्सियां साफ बता रही हैं कि किस तरह दबंगों ने मारपीट के बाद यहां हंगामा किया था। मुरादाबाद से टाइम 24 न्यूज के लिए सरफराज सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।